नमस्कार, आप नेशन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन यानी पुलिस पदाधिकारी जो है वो एक्शन मोड में है। ऐसे में आज झाझा SDPO रविशंकर प्रसाद, झाझा थानाध्यक्ष राजेश शरण अपने तमाम पुलिस बल को लेकर झाझा नगर में नगर भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च किए, ताकि किसी भी प्रकार का उपद्रव ना हो। इसको लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों ने साफ तौर पर आम जनता से भी अपील की कि अगर किसी भी तरह का कोई समस्या या फिर घटनाओं के मद्देनज़र किसी भी तरह की कोई आशंका लगती है तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रशासन को इसकी सूचना दे। ऐसे में तमाम पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे, SDPO और थानाध्यक्ष के साथ साथ SI सुबोध कुमार, मनीष जी, तमाम लोग मौजूद थे। और सभी ने आज फ्लैग मार्च के दौरान तमाम पंडाल जितने भी है पूजा पंडालों का भी निरीक्षण किया। क्या कुछ कह रहे हैं SDPO और क्या कुछ कह रहे हैं थानाध्यक्ष, पहले आप वो सुन। क्या जा रहा है पर्व को लेकर? हाँ, इस दशहरा पर्व के लेकर यहाँ पर हम लोग फ्लैग मार्च निकाले हुए हैं, और किसी तरह से का भी अगर बैड एलिमेंट हैं उन पर कड़ी कड़ाई की जाएगी, और उसी के लिए हम लोग निकाले हुए हैं क्योंकि आप लोग सतर्क हो जाएं और सही रूप से रहें, डिसिप्लिन में रहें, हमारा यही संदेश है। तो क्या प्रशासनिक स्तर पर आपके द्वारा पंडाल वगैरह का भी निरीक्षण किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, हमारे द्वारा क्यों, वो तो करना ही है, वो तो हमारा ड्यूटी है और हम करेंगे। संपूर्ण झाझा थाना क्षेत्र में 11 अनुज्ञप्तिधारी, पहले 12 हुआ करते थे, बुड़वा में नहीं हो पा रहा है, 11 अनुज्ञप्तिधारी हैं। और ख़ास करके 4 ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो शहरी क्षेत्र के हैं, वैष्णवी दुर्गा मंदिर और सार्वजनिक दुर्गा मंदिर, बंगाली बारोबारी और इंडियन इंस्टीट्यूट, ये शहरी क्षेत्र के हैं चारों, जहाँ पे काफ़ी भीड़ हुआ करती है। और शहर में मुख्य रूप से यातायात का एक समस्या होता है, काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती है, तो भीड़ नियंत्रण के लिए हम लोगों ने इस आज से लेकर के आज सप्तमी के दिन से और पूरे दशहरा तक ये अलग से इंतजाम हम लोग किए हुए हैं, और बहुत जगह पे बैरिकेडिंग्स वगैरह लगाए गए हैं, और फोर व्हीलर्स की एंट्री सभी जगहों पे नहीं है, बाइक की भी एंट्री बंद कर दी जाएगी, और सभी जगहों पे बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ भी संयुक्त आदेश के मुताबिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। अराउंड द क्लॉक हम लोग चारों ओर घूम रहे हैं और घूम करके देख रहे हैं, सभी स्थिति का जायजा ले रहे हैं, और DSP साहब वगैरह ये सब लोग लगातार भ्रमणशील हैं। अभी हम लोग का फ्लैग मार्च निकलने वाला है, जस्ट मोटरसाइकिल से हम लोग का फ्लैग मार्च निकलेगा। जो संकीर्ण गली है ये हैं, जहाँ भी खास करके दुर्गा मंदिर के पास में भीड़ भाड़ के क्षेत्र हैं, सभी जगहों से होकर के ये हम लोग का जो बाइक फ्लैग मार्च है ये क्रॉस करेगा। और हम लोग इसके जरिए सभी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग अच्छे से अच्छे माहौल में पर्व को मनाएं, और पूरी ताकत के साथ हम लोग पुलिस प्रशासन सबके श्रद्धालुओं की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोग लगे रहेंगे। और ख़ास करके वैसे लोग जो किसी भी तरह से शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, वैसे लोगों को बिल्कुल ये संदेश है कि किसी भी तरह से उनका पहचान, चाहे सोशल मीडिया पर अगर कोई गलतफहमी पैदा करना चाहेंगे तो उनकी पहचान की जाएगी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की।